स्वागत है आपका एनडी न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के सितारगंज में दूसरे दिन छात्र नेताओं का आमरण अनशन जारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सितारगंज इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा दो दिन क्रमिक अनशन चलाने के बाद अपनी मांगों को लेकर कल आमरण अनशन पर बैठे थे। आमरण अनशन पर बैठे छात्र संघ सचिव और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेश कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग कल पूरा दिन अपना अन्न जलता कर आमरण अनशन पर बैठे रहे, परंतु हमारी सुध लेने ना ही उपजिलाधिकारी आए और ना ही तहसीलदार और पुलिस प्रशासन आया, जबकि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सभी विभागों को आमरण अनशन की जानकारी देते हुए पत्र भी भेजा गया और बताया कि हम अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर आज भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम इसी प्रकार भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, क्योंकि यदि हमारा एक भी बिंदु छूटा तो फिर संकल्प हमारा टूटा। आमरण और आज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा हम तीनों अनशनकारियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया है। अनशन पर बैठे छात्र संघ उपाध्यक्ष अंकित गोयल ने बताया कि महाविद्यालय में इसी सत्र से एमए की कक्षाएं संचालित कराई जाएं। चार सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल में महाविद्यालय के तीन छात्र बैठे हैं, जिसमें छात्र संघ सचिव देवेश कुमार, छात्र संघ उपाध्यक्ष अंकित गोयल, छात्र नेता अमित बोरा है और आमरण अनशन को लगातार व्यापारियों का छात्र नेताओं का समर्थन मिल रहा है। सितारगंज संवाददाता बिट्टू अंसारी की रिपोर्ट। बिना खाए पिए और हमारी कोई मतलब सुनने के लिए नहीं आया है और हमारी मांगे कोई भी नाजायज़ नहीं है, सब मतलब पूरी हो सकती हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। अभी हमारे द्वारा दो दिन श्रमिक अनशन चलाया गया था अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर और कल से हम आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो आज हमारे आमरण अनशन का दूसरा दिन है। हम चार सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे हैं, जिसमें से हमारी एक मांग ये है कि जो प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएँ हैं उनको प्रमोट किया जाए या फिर महाविद्यालय में परीक्षा से पूर्व ऑफलाइन कक्षाएं संचालित कराई जाएं। क्यों, और हमारी जो दूसरी मांग है वो ये है कि जो बीएससी के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए प्रयोगशाला की व्यवस्था कराई जाए और उसमें जो भी उपकरण है उन सब की व्यवस्था कराई जाए। और मैं इस वाइट के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ वैसे तो लगातार चार दिन से बैठे हैं, लेकिन कल से हम आमरण अनशन पर हैं। हमने जल और अन्य सब त्याग रखा है, परंतु हमारी यहाँ सुध लेने वाला कोई भी अधिकारी नहीं आया। कल स्वास्थ्य विभाग की टीम कल भी नहीं आई थी, आज सुबह आई है और हम लोगों का परीक्षण करके गई है। मतलब कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिन छात्रों को इस देश का भविष्य कहा गया है वो आज हम तीनों लोग यहाँ कल से आमरण अनशन पर हैं। शरीर में भी कहीं ना कहीं अब हमको लग रहा है कि हल्की सी गिरावट है और कहीं ना कहीं वीकनेस भी आ रही है, परंतु हमारी सुध लेने ना ही अभी तक यहाँ तहसीलदार साहब आए हैं, ना उपजिलाधिकारी आए हैं, ना ही यहाँ कोई जनप्रतिनिधि आया है। तो इस सितारगंज का मैं क्या दुर्भाग्य समझूं और अपने जो हम छात्र हैं हम लोगों का क्या भविष्य होगा ऐसे अगर हमारी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगी। केवल एक हमारे प्राचार्य जी द्वारा जरूर यहाँ आकर हमारे हालचाल जाना गया था, पर और किसी के द्वारा अभी तक कोई हालचाल नहीं जाना गया है। अगर हमारे शरीर में कोई भी गिरावट होती है, हमारे स्वास्थ्य में कोई गिरावट होती है और हम में से किसी को भी कोई भी हानि हुई, तो मैं साफ शब्दों में कह देता हूँ कि यहाँ का शासन प्रशासन हम उस चीज़ का जिम्मेदार।